हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज के इस वीडियो में हम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं और दो सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे पहला होगा हमारा आई पी सेक दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी और सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे DNS sec that is domain name system security. So let's start with the IP sec. तो so, ये जो हमारा IP sec है ये basically हमारा एक internet engineering task force है जो कि क्या करता है ये हमारे जो भी हमारे standard communications होते हैं between two devices across the IP network. आईपी नेटवर्क के थ्रू जो है हमारे जो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है उसके अंदर जो है ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अब सिक्योरिटी किन टर्म्स में हमें आई पी प्रोवाइड करेगा यह हमें प्रोवाइड करेगा डेटा ऑथेंटिकेशन के टर्म में इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के टर्म में अब ये इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन इसको हम जो है हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और हमारी जो पूरी फर्स्ट यूनिट थी वो इन्हीं तीन टर्म्स के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली डिराइव थी कम्प्लीटली एस्टेब्लिश थी तो सी आई ए के नाम से हम इसे जानते हैं सी आई ए ट्राइड दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन ट्राइड इन तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं उस वीडियो के अंदर जो है कम्प्लीटली इन तीनों के बारे में डिटेल में विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप सी आई ए के जो कॉन्सेप्ट है वो उस लिंक

क्रिप्टोग्राफी की स्टार्टिंग की वीडियोज़ में जो है आपको कुछ कीज़ के बारे में बताया था पब्लिक की प्राइवेट की जो कि डेटा को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है तो उन कीज़ का जो एक्सचेंज होता है यानी डेटा का जो एक्सचेंज होता है कोडिंग डिकोडिंग के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए उसके लिए जो हमारी की की मैनेजमेंट होती है कि किस टाइम पे कौन सी की का मुझे यूज़ करना है कौन सी की मुझे रिमूव करनी है वो की मैनेजमेंट का जो काम है वो भी जो है हमारी आई सेक के अंदर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के अंदर किया जाता है अब हमारी जो आईपी सिक्योरिटी है इसके यूजेस क्या क्या है हम क्यों इसे इतना यूज़ करते हैं और क्यों क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में जो है आज हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हमें इसके यूजेस जानने बहुत ही ज़रूरी है कि क्यों हम आईपी सेक को जो है यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं आप नोट कर सकते हैं और इनको जो मैं एक बार ब्रीफली आपको ओवरव्यू दे, दे देता हूँ कि क्यों हम जो है आई सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं सबसे पहली बात है टू एनक्रिप्ट एप्लीकेशन लेयर डेटा जो भी हमारी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उसको इंक्रिप्ट करने के लिए उसको कोड करने के लिए ताकि हैकर उसको ना समझ सके बेसिकली उस डेटा की सिक्योरिटी को कोटेन करने के लिए हम एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा होता है उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आई पी सेक सेकेंड आता है जो भी हम राउटर यूज करते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए या फिर पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उस टाइम पे जो हमारी राउटर की सिक्योरिटी होती है वो भी जो है हमारी आई सेक जो है मेंटेन करता है और जो हमने यहाँ पे ऊपर इंक्रिप्शन की बात की उस इंक्रिप्शन पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड जो हमें करेगा वो हमारा आईपी सेक करेगा अब ये किस तरीके से होगा यहाँ पे इंक्रिप्शन का मतलब है जहाँ से डेटा ओरिजिनेट हो रहा है ओरिजिनेट हो रहा है का मीनिंग है जहाँ से डेटा जो है सेंडर सेंड send कर रहा है उस डिवाइस से जो है उसकी वेरीफिकेशन हो कि डेटा जो है बीच में कहीं पर भी जो है चेंज नहीं किया गया है या फिर जो हमारा डेटा है वो कंप्लीटली सिक्योर वे में जो है सेंड किया गया है इसका जो प्रोसेस है, है इसकी जो वेरिफिकेशन है इसकी जो स्कैनिंग है ये भी जो है हमारा आईपी सिक्योरिटी करती है अब लास्ट में आता है टू प्रोटेक्ट नेटवर्क डेटा बाय सेटिंग अप सर्किट जो हमारा आईपी सेक है दैट इज़ आईपी सिक्योरिटी ये जो है हमारा कुछ सर्किट सेटअप करता है ओवर द इंटरनेट जो कि हमारा नेटवर्क डेटा होता है उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है अब इसके अंदर जो है एक प्रोसेस यूज होता है एक सिक्योरिटी मेथड यूज़ होता है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जिसे हम बोलते हैं आई सेक टनलिंग आई टनलिंग क्या करता है ये हमारे डेटा को जो है सेंड करता है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स बेसिकली आपके दो डिवाइसेस के बीच में जो है डेटा इंक्रिप्टेड वे में सेंड हो रहा है उसको जो है हम बोलते हैं आई टनलिंग और इसको जो हम वी के थ्रू जो है करते हैं जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं तो वी कनेक्शन की हेल्प से जब भी डेटा हमारा सेंड होता है तो हमारा डेटा जो है ऑलवेज इंक्रिप्टेड वे में सेंड होगा और कोई भी आपके उस डेटा को ईजिली नहीं देख सकता तो यहाँ पे हमारा आई सेक का कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर मैंने आपको आई सेक के बारे में ओवरव्यू दिया कि आई सेक काम कैसे करता है और उसके यूजेस क्या है एक एग्जांपल के वे में मैंने आपको अभी समझाया अब हमारी टर्म आती है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी जिसके अंदर हम बोलेंगे इसे बार बार डी एन सेक तो ये जो हमारा डी एन सेक है ये हमारी स्टैंड करता है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन के फुल फॉर्म के लिए अब डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है डी उसके लिए जो है ये हमारे कुछ सिक्योरिटी एक्सटेंशनस है अब ये बेसिकली होता क्या है ये बेसिकली हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है ओवर द डोमेन नेम सिस्टम जो कि हम आई नेटवर्क में जो है यूज़ करते हैं अब डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली आपका होता क्या है डोमेन नेम सिस्टम आपने डोमेन नेम सुना होगा जब भी हम किसी वेबसाइट के अंदर विजिट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक डोमेन नेम होता है यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो हमारी एक वेब साइट है जो कि सभी जानते हैं डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम अब इसके पूरी वेबसाइट के अंदर जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब एक कॉन्सेप्ट है गूगल एक कॉन्सेप्ट है, है डॉट कॉम जो है हमारा एक एक्सटेंशन है तो यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन है डोमेन नेम वो है हमारा गूगल तो गूगल डॉट कॉम यहाँ पे गूगल जो है ये हमारा डोमेन नेम सिस्टम है और जब हम इसको हमारी लैपटॉप के अंदर हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे आईपी नेटवर्क पे जो है ये रन होता है तो उस टाइम पे हमारे आईपी नेटवर्क पे हमारे सिस्टम के आईपी एड्रेस पे जब कोई भी डोमेन नेम रन होगा तो उस डोमेन नेम से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है वो सभी जो है हमारा डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो करता है अब ये बेसिकली आपको अगेन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा किस चीज़ के लिए ओरिजिन ऑफ डी डेटा यानी कि जब सर्वर से जो है उस वेबसाइट को कॉल किया जा रहा है उस गूगल डॉट कॉम वेबसाइट को कॉल किया जा रहा है तो जब वो हमारे सिस्टम पे हमारे कंप्यूटर पे रन करेगी तो उस टाइम पे जो भी हमारे अटैक्स होंगे उन सभी से जो है हमें डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी जो है प्रोटेक्ट करेगा और हमारे डेटा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा अब ये जो हमारा डी एन एस ए की वर्क कैसे करता है इसको जानना बहुत ही जरूरी है अगर हमें डोमेन नेम सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है और जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह इसके इंटरव्यूज में एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब जो हमारा डीएनएस है ये बेसिकली क्या करता है ये हमारे डोमेन नेम्स को या फिर मैं बोल सकता हूँ वेबसाइट नेम को उनको जो है हमारे आई एड्रेस में लोड करता है जैसे कि मैंने आपको बताया जो गूगल है वो सर्वर से हमारे सिस्टम पर रन होता है जब वो हमारे आई एड्रेस पर हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पर वो वेबसाइट आ जाएगी तो उसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये जो है हमारा डी एन एस काम करने का तरीका है अब ये जो हमारे डोमेन नेम होते हैं ये बेसिकली हमारे यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं जो कि कंप्यूटर्स को जो है पूरा वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की जो है परमिशन अलाउ करते हैं अभी यूनिक क्यों होते हैं अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट है अगर हमें विजिट करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं उस वेबसाइट का यूनिक नेम एंटर करते हैं और उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है है वो सभी हमें मिल जाती है। तो बेसिकली और एक छोटी सी टर्म है इसके अंदर जिसे मैं बोलूंगा एक्सटेंशन जो कि मैंने यहाँ पे बताया था डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन तो डीएनएस सिक्योरिटी क्या करता है हमारे लिए एक सेट ऑफ एक्सटेंशन जो है एड कर देता है जिसको जो है हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर ये जो एक्सटेंशन है हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन को जो है इंक्रीज कर देता है यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी एक्सटेंशंस की जो मैं बात कर रहा था वो सिक्योरिटी एक्सटेंशंस हमारे लिए करते क्या है उन सभी की जो है आज हम बात करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे तीन टर्म्स है जिनको मैं ओवरव्यू करूँगा जिनका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पहला है हमारा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन ऑफ डी डेटा इसके अंदर क्या होता है ये जो हमारा प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा रिसिपियनट यानी कि जो भी डेटा रिसीवर को रिसीव हो रहा है वो वेरीफाइड है सोर्स से इसका मीनिंग है कि सोर्स जो भी डेटा सेंड कर रहा है सेंडर जो भी डेटा सेंड कर रहा है वो वेरीफाइड है मीन्स उसके अंदर कोई भी अटैकिंग वायरस या फिर हैकिंग वायरस नहीं है सेकेंड आता है ऑथेंटिकेटेड डिनाइल ऑफ एग्जिस्टेंस अब आपने बहुत बार देखा होगा आप किसी वेबसाइट का नेम सर्च करते हैं या फिर आपसे टाइप करते हैं इसमें कुछ गलती हो जाती है तो वो जो है हम एक मैसेज देता है दैट दिस वेबसाइट इज नॉट प्रेजेंट या फिर एरर 404 दिस वेब पेज इज़ नॉट प्रेजेंट ऐसे बहुत सारे टाइप के एरर जो हमें मिलते हैं तो ये जो है हमारा हमें क्यों मिलता है ये मिलता है हमें डीएनएस सेक की वजह से ऑथेंटिकेटेड डिनाइल ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से जिसके अंदर जो है वो आई एड्रेस के थ्रू जो है हमारी जो वेबसाइट जो हमने सर्च की है वो हमें नहीं मिलती या फिर वो वेबसाइट जो है या फिर वो वेबसाइट जो है उस वेबसाइट का डोमेन नेम जो है एग्जिस्ट नहीं करता इस वजह से जो है हमें वो मैसेज मिलता है और लास्ट जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो होता है इसके अंदर हमारा डेटा इंटीग्रिटी के लिए अब डेटा इंटीग्रिटी क्या करता है कि जो हमारा रिसीवर को डेटा मिल रहा है वो बीच में डेटा कहीं पर भी जो है ट्रांजिट ना किया हो मीनिंग है कि ट्रांसफॉर्म ना किया गया हो उसे मॉडिफाई ना किया गया हो तो उस डेटा की जो इंटीग्रिटी को मेनटेन करने का प्रोसेस है वो भी जो हमारा डी एन एस चेक करता है थैंक यू